अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू इंस्टॉल एंड सेटअप PHP XAMPP Dreamweaver और VS Code विंडोज़ 10 या आप किसी और पे भी कर सकते हैं। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं PHP के लिए XAMPP और Dreamweaver, कहाँ पे PHP का डॉक्यूमेंट सेव किया जाता है, VS Code किधर से डाउनलोड करते हैं, तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। पूरी वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और आप रेडी हो जाएं कि मैंने PHP पूरी सीखनी है। वेब डेवलपमेंट, डायनामिक वेब डेवलपमेंट जो है वो आप सीखने जा रहे हैं। मैं PHP की पूरी एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, PHP के जो है वो पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ। बहुत आसान है, आप आसानी से सीख लेंगे। आप चलते हैं जी, हम पहली चीज़ XAMPP कैसे डाउनलोड करना है। मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि filehippo.com और इस पे आप जाके XAMPP को डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगा। ये 50-60 MB का होता है, तो आपने उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना। कोशिश करें जब इसको इंस्टॉल डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें तो ये सी ड्राइव के ऊपर प्राइमरली आए, यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हो। इंस्टॉल करने का तरीका वही है कि जब सेटअप पे क्लिक करें, बार बार जो है वो आप जो है वो नेक्स्ट 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 करते जाएं, बस सिर्फ पाथ चूज़ कर लें कि वो प्रोग्राम फाइल में ना जाए, वो सी ड्राइव पर हो। XAMPP जब इंस्टॉल हो जाएगा तो XAMPP को जो है वो हम रन कर सकते हैं। उसका एक बटन होता है यहाँ पे, ये एक प्रोग्राम है XAMPP कंट्रोल, तो XAMPP कंट्रोल पे आपने क्लिक कर देना है तो आपका जो कंट्रोल पैनल है ये चल जाएगा और आपके सामने कुछ ये चीज़ें आ जाएंगी। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे स्टार्ट एंड स्टॉप अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो ये आपने इसको क्या कर लेना है, XAMPP इंस्टॉल और उसका सेटअप रेडी कर लेना। तो ये देखें, ये दोनों चीज़ें ग्रीन होनी चाहिए तभी चलेगा। मेरे पास पोर्ट 81 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर आपने स्काइप आपके कंप्यूटर में है तो स्काइप पोर्ट 80 लेता है, XAMPP की बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 होती है, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, आपका XAMPP नहीं चलेगा। XAMPP आपके कंप्यूटर को एज अ वेब सर्वर बना देता है, तो इसके अंदर आप डायनामिक वेबसाइट चला सकते हैं। आपको साथ में MySQL DB यानी आप इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जो बाद में हम लिंक करवाएंगे PHP के पेजेस के साथ। अपाची एक वेब सर्वर है, इसकी पोर्ट मैंने चेंज कर दी थी कॉन्फ़िग के अंदर जाके, HTTP के अंदर जाके अगर कोई एरर आए पोर्ट के रिलेटेड तो आप उसको जाके गूगल पे सर्च कर लें, आप उसके रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियो देख लें, नहीं तो नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको उसका सोल्यूशन पे वीडियो बना दूंगा। तो अगर पोर्ट का इशू आ जाए, ये रेड हो जाए, तो आपने इसका सोल्यूशन ढूंढना है। जो एरर आए उसको, यहाँ पे एरर आ जाता होता है उसको आप एरर को जाके स्टैक ओवरफ्लो पे या यहाँ पे जहाँ पे भी दिल करे वहाँ मुझे बता दें तो अच्छी बात है, मैं उसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि ये इशू आ रहा है। और अगर आपके कंप्यूटर पर स्काइप चल रहा है या अपाची अलग से इंस्टॉल किया हुआ है तो उनकी पोर्ट कन्फ्लिक्ट आएगी, तो उस पोर्ट कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए आपको कॉन्फ़िग के अंदर जाके चेंजेस करनी होती हैं, एक दो जगह पे आपने इसका पोर्ट नंबर चेंज करना होता है। अब आप इसके एडमिन पे क्लिक करेंगे, जब आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह लोकल होस्ट और ये चीज़ रन होकर आ जाएगी। ये मेरे एक पेज पहले से PHP का बना के रखा हुआ, अदरवाइज़ मैं इसको इस तरह रन कर देता हूँ तो ये इसका डैशबोर्ड आ जाएगा, ये XAMPP का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये इस तरह इसको XAMPP को रन करते हैं और इसके अंदर PHP की सपोर्ट और वो चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ तक हो गया जी हमारा XAMPP इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर और ये सारी चीज़ें। अगर कोई इशू आए कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊँगा। नंबर 2 पे आप Dreamweaver डाउनलोड कर लें। Dreamweaver प्रोफेशनल वेबसाइट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर यूज़ करते हैं, तो Dreamweaver आप इंस्टॉल कर लें, आपको ट्रायल पीरियड पे मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप इसका कोई ना कोई सोल्यूशन, क्रैक वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें आप इसको ढूंढ सकते हैं टोरेंट्स के ऊपर, तो आपको काफ़ी इसके Dreamweaver इंस्टॉलेशन और इसको आप देख सकते हैं। Dreamweaver मैं आपको दिखा देता हूँ। Dreamweaver जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम PHP और
इसकी कोडिंग करते हैं। तो ड्रीम व्यूअर इंस्टॉल आपने सी ड्राइव पे प्रोग्राम फाइल्स में कर लेना है। तो ड्रीम व्यूअर अभी रन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये ड्रीम व्यूअर के रिलेटेड आपसे है। ये देखें, अब आपने क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, HTML या PHP, PHP का पेज बनाना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखें जी, फर्स्ट पेज ओपन हो गया। अब आपने इसको फाइल को सेव करना है, जो कि मैं नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हाउ टू क्रिएट योर फर्स्ट PHP वेबसाइट। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, तो फिर आपको वो सारा पाथ बताऊंगा, कहाँ पे सेव करते हैं, कैसे इसको चलाते हैं, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं। अभी हम सिर्फ इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं, सेटअप करना सीख रहे हैं। नेक्स्ट वन, आप कोडिंग के लिए जहाँ पे आप PHP की कोड करना चाहते हैं, तो एक और टूल भी है, VS Code। VS Code आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, फ्री है ये, और ड्रीमव्यूअर जो है वो परचेज करना पड़ता है। ये फ्री है, आप विंडो के लिए लिहाज से रन इधर से डाउनलोड कर लें। इसका 64-bit वर्जन चाहिए या 32-bit, तो आप इनमें से कोई भी। तो ये टोटल मेरा ख्याल 60-70 MB, 50 MB यहाँ पर इसके साइज़ है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें और VS Code के अंदर भी आप कोडिंग करेंगे। फिर उसको सेव कैसे करते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो VS Code को डाउनलोड करें और इसको इंस्टॉल कर लें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है। VS Code पाइथन के लिए भी यूज़ करते हैं, VS Code जो है वो हम PHP के लिए, उसके बाद C# के लिए, J# के लिए, स्केला के लिए, तो आप इसको काफ़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। VS Code इज़ अ लाइट वेट IDE और आपको बहुत सपोर्ट करती है। तो ड्रीमव्यूअर अपनी जगह पे सही है, VS Code अपनी जगह पे है, तो दोनों में से जो आपको सूट करे वो आप, अगर आप मैक यूज़र हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे, अगर आप लिनक्स का है तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने इसका लिंक भी शो कर दिया है, जहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और ये सारी इंस्टॉलेशन करने के बाद आपने चेक करना होता है यही चीज़ के लिए आपके सामने ये आ जाए, फिर आप नेक्स्ट, अगर ये ज़ैप सही रन हो जाता है, फिर आपके पास कोडिंग का सॉफ्टवेयर भी है, और ये सारा करने कराने के बाद हम इस नतीजे पे हैं कि अब वी आर रेडी टू क्रिएट आवर फर्स्ट PHP वेबसाइट, PHP जो है वो फर्स्ट पेज। तो यहाँ तक आपने सारे में काम कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जहाँ पे मैं आपको पूरी वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, एक पेज जो है वो PHP में कैसे बनाते हैं, फिर उसको लिंक कैसे करते हैं PHP के कोड में, डिफरेंट चीज़ें आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट पूरी बनती जाएगी। हाउ टू क्रिएट फर्स्ट पेज, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स इन PHP, हाउ टू यूज़ लूप्स, हाउ टू क्रिएट फंक्शन इन PHP, तो दिस विल कम इन नेक्स्ट वीडियोज। सो रेडी फॉर playlist of PHP dynamic website. Thank you. Thanks for watching. Please subscribe my channel.